साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। आज बरोज मंगल तकरीबन 5 बजे की टाइम मुझे गिरना नदी से समीर इंडियन और शरीफ भाई और इमरान शेख का फ़ोन आया कि गिरना नदी में एक बच्चा डूब गया। मैं फौरन मौके वारदात पर, मेरी बाइक पर मेरे साथ वालों के साथ ही हाईवे पर था और मौके वारदात पर पहुंचा और अल्लाह की मदद से देखा, वहां जाके जायज़ा लिया कि वहां मालूमात मिली कि ये 5 दोस्त थे। 5 दोस्त गिरना नदी में नहाने के वजह से आए थे, नहाने के शौक़ से आए थे और नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और एक दोस्त जब डूब गया तो ये चारों दोस्त वहाँ से निकल कर भाग गए। ये तो अल्लाह का एहसान है कि गिरना नदी पे बहुत सारे लोग अपने त्यौहार की वजह से वहाँ थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं मौके वारदात पर पहुँचा और अल्लाह की मदद से तकरीबन वो जहाँ बच्चा डूबा हुआ था वो कम से कम 20 से 25 फीट का गड्ढा था। हमारे शहर में रेती माफियाओं ने जो बड़ी मकदार से जो रेती निकाली है गिरना नदी से, आज गिरना नदी में हमारे बच्चे समझते हैं कि प्लेन 5-7 फीट पानी है, लेकिन कहीं कहीं रेती निकालने की वजह से 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा है और अभी गिरना नदी में बहुत ज़्यादा पानी ऐसे भी है। ये बच्चा नहाने वाला था, स्विमर था। मैंने इससे पहले भी बाइट में बोला था कि स्विमिंग अगर करना है तो जींस पैंट शर्ट पे करना, अपनी जान को जोखिम में डालना है। ये बच्चा भी आप देखे होंगे कि ये बच्चा भी जींस पैंट पहन कर तैराकी का शौक कर रहा था और आगे जाने से इसके पाँव दोनों जाम हो जाने की वजह से, जींस पैंट की वजह से ये डूब कर इंतकाल कर गया। अभी हमने व्हाट्सएप पे चलाया कि ये बच्चे की शनाख्त नहीं हुई थी, बहुत सारे व्हाट्सएप पे चलाया कि बच्चे को पहचानने की शनाख्त की जाए, लेकिन ये बच्चा अभी पहचाना गया। ये रशीद नगर का बच्चा है और इसका नाम है शेख नाजिम शेख मजीद। 17 साल का बच्चा है। तो मैं मालेगांव शहरियान से हमेशा अपील करता हूँ और आज भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे शहर में गिरना नदी में पानी बड़ी ज़्यादा मकदार में है और बारिश का मौसम भी है, तो शहरियान को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दे। ये इस बारिश का गिरना नदी की पहला हादसा है, रशीद नगर का ये लड़का है। अभी इसे निकाल कर सिविल हॉस्पिटल में कानूनी कार्रवाई के लिए लाया गया है, आगे इसकी अपडेट पंचनामा करके दी जाएगी। आप कितने फीट पानी में गया था? ये तकरीबन ये 5 दोस्त थे, ये नहाते नहाते आगे गए और तकरीबन 20-21 फीट पानी था वहाँ जहाँ पे मैं गया डूबे। इसे बच्चे को रिस्क्यू देंगे। हमारे शहर में जब भी त्यौहार आता है तो आप देखते हैं त्यौहार की खुशियों के साथ गम की लहर भी शहर में आ जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे सरपरस्तों और हमारी कमी है जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। जो शहर में पानी आता है हमेशा कहा जाता है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, लेकिन बच्चे अक्सर आप देखे होंगे कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर डूबने के वाक़यात के शिकार होते हैं। ये बच्चा भी 17 साल का था और जींस पैंट पहन कर नहा रहा था इसलिए डूब गया, ये नहाने वाला सुमर बच्चा था। तो शहरियान से अपील मैं हर बार बार करता हूँ और अभी भी करता हूँ कि पैंट शर्ट पहन के स्विमिंग करना अपनी मौत को दावत देना है, तो मेहरबानी करके पैंट पहन कर स्विमिंग ना करें। ये तो हर वालदैन की जिम्मेदारी है सबसे पहले कि अपने बच्चों पर नज़र रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनसे पूछे भी भाई आप नदी पर तो नहीं, अगर वो नदी पर नहाने के लिए जा रहे तो उसे मना करें, उनके ऊपर निगरानी करें। और यहाँ पर जो बड़े हजरात भी आते हैं बड़ी उम्र के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे छोटे बच्चों को पानी में उतरने ना दें। ये बच्चों को होता है कि पानी देख के उनका भी दिल मचलता है नहाने के लिए, इसकी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसकी तो सबसे पहली जिम्मेदारी उनके वालदैन पर आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, नदी पर तो नहीं जा रहे हैं, नदी पर भाई तुम्हारे उनके दोस्तों के ऊपर निगरानी रखें। और यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी जो बड़ी उम्र के अफराद सैर व तफरी के लिए आते हैं वो भी बच्चों को मना करें, वो तो मना करेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके वालदैन पे होती है कि वालदैन बच्चों पर निगरानी करें कि उन्हें नदी पर ना भेजें, पानी ज़्यादा होता है उनके पास और ज़्यादा गहरा होता है, जो शौक के मारे छलांग लगाते हैं और इसकी वजह से अपनी जान गंवा बैठती। तो मैं तमाम वालदैन से
और यहाँ मौजूद आए हुए सभी बड़ी उम्र के अफराद से यही दरखास्त करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, कि बड़ी उम्र के अफराद जो यहाँ भी मौजूद है वो छोटे बच्चों को पानी से दूर रखें और सभी को मना करें कि भाई नहाए ना, क्योंकि कहाँ पानी कितना गहरा है इसका अंदाजा नहीं, इसकी वजह से लोग जान गंवा बैठते हैं।